मैं रूपाराम भगनागर व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाड़ी। आज मैं प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आज मैं कक्षा 12वीं में हिंदी साहित्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास, वह कक्षा 11वीं के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के जो प्रकरण है और कंपलसरी में भी है ऑप्शनल में भी है, तो तुलसीदास जी के जीवन के बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म उत्तर प्रदेश के ईटानगर के अंदर सौरव गांव के अंदर मानते हैं, लेकिन इनके जन्म के बारे में कई विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। कैसे कि कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म जिस दिन हुआ मृत्यु भी उसी दिन हुई, इसलिए कहते हैं कि संवत, कुछ विद्वान मानते हैं कि 1552 के अंदर भी जन्म हुआ, कोई कुछ विद्वान मानते हैं कि संवत 1552 कालीन जी की तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी दरियो सरी। उसी प्रकार से उनकी मृत्यु के बारे में माना जाता है कि तुलसी, उन तुलसीदास जी के बारे में माना है कि संवत 1680 राशि गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी दरियो सरी। तो अलग अलग विद्वानों में अलग अलग माना जाता है, लेकिन प्रामाणिक माना जाता है कि संवत के हिसाब से देखा जाए तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदापुर के राजापुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी के अंदर काशी के अंदर हुई थी। इस प्रकार से इनके जन्म के बारे में माना जाता है। देखो, गोस्वामी जो तुलसीदास जी है, ये इनका जिस समय जन्म हुआ था माना जाता है कि जहां पर लोगों का साक्षात मानते हैं कि तुलसीदास जी जन्म हुआ उस समय उनकी आंखें खुली थी और जो ही उनका जन्म हुआ वो कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने हे राम शब्द बोला था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला या राम बोलवा भी कहते हैं, तो राम बोला उनके बचपन का नाम है। और धीरे धीरे तुलसी के जन्म के बारे में देखो, मैं आपको बता दिया तो इनके माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे सरयू पर्यंत ब्राह्मण थे। कहते हैं कि देखो, जैसे गंगा सरस्वती और सिंधु के तट पर ये जो लोग रहते थे, तो सरयू नदी के किनारे रहने के कारण इनको सरयू ब्राह्मण भी कहते थे। तो माना जाता है कि तुलसी का जन्म अभुक्त नक्षत्र यानी एक ऐसे नक्षत्र में हुआ था जिनके अनुसार उनके माता पिता ने उनको जन्म के कुछ समय के पश्चात छोड़ दिया था, और उनको छोड़ने के बाद में उनके एक दासी थी जिनका नाम था मुनिया, वो उन बच्चों को लेके गई और बस लेके गई। उसके बाद में कुछ समय के बाद में उनकी माता हुलसी का उनकी हुलसी की मृत्यु हो जाती है और वो जो मुनिया थी वह लेकर के उनकी एक मासी थी सुनिया, उस सुनिया के पास ले जाती है और वहां पर जाकर के उन बालक ये गोस्वामी तुलसीदास जो राम बोलवा था उनका पालन पोषण वहां पर होता है। सुनिया उनका पालन 4-5 साल पालन पोषण करती है और स्थिति ये होती है कि वो सुनिया भी मर जाती है। अब उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता है, तो तुलसीदास जी वहां से उस सुनिया के घर से निकल जाते हैं और निकलने के बाद में दूर स्थान पर जाते हैं। माना जाता है कि एक आश्रम का एक साधु थे जिनका नाम नर हरिदास था, तो वहां पर जाते हैं तो कहते हैं कि एक चबूतरे पर वहां पर गए तो वहां पर बंदर भी बैठे हुए थे और वो बंदरों के बीच में चुपचाप निग्रह होकर के वहां पर बैठा और बैठ करके वहां पर जो रोटियां पड़ी थी, जो अन्न, जो अनाज के जो दाने पड़े थे, वो चुपचाप वहां पर वो उनके साथ में रोटी खाने लगा और दाने एक दो मुंह में डालने लगा, जितने में वो नर हरिदास आ गए। देखा उस देखते उन गुरु तो देखो बहुत एक पवित्र आत्मा होती है, उन्होंने उसको कर्म की रेखा को देखा और उसकी और देख करके उनको ने मालूम किया कि ये एक बड़ा व्यक्ति हो सकता है, तो उसको ला करके उनको ज्ञान दिया और राम के बारे में, राम के चरित्र के बारे में, राम की संपूर्ण जीवनी के बारे में उस बालक को अच्छी शिक्षा दी, ज्ञान दिया। इसलिए उनके आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि तुलसीदास जी के दो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे नर हरिदास और उनके जो सांसारिक गुरु थे शेष सनातन महाराज, तो ये उनके गुरु थे। फिर वहां पर
कुछ समय के बाद में वहां पर रहने के बाद में जब नर हरिराज जी से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया तो उनके अंदर के शक्ति खुले और उन्होंने राम के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन किया, क्योंकि ये जो दशरथ पुत्र राम थे ये तो एक सांसारिक थे, लेकिन उन्होंने उस राम की महिमा के बारे में बताया। देखो राम के बारे में कहते हैं कि जग में चार राम हैं, तीन राम विहार और सोते राम निज सार हैं, तीन का करो विचार। एक राम दशरथ गढ़ बोले, एक राम घटघटमय बोले, तीसरे राम का सकल पसारा सोता राम त्रिगुण से न्याय। तो देखो राम के बारे में अलग अलग बताया कि देखो हमारे अंदर जो आत्मा है पहला राम उसको बताया गया है, दूसरा राम एक राम दशरथ गढ़ बोले जी एक तो राम जो दशरथ के गर्भ जिन्होंने जन्म दिया रामचंद्र जी वो, दूसरे हमारी आत्मा को कहा गया है, और तीसरा जो तीन लोगों को सत्ता को संभालने वाले हैं उनको कहा गया है, और सत्ता राम जो संतों का राम है जो तीन गुणों से माया से परे राम है उसके बारे में उन्होंने कहा गया। उस राम को देखो तुलसीदास जी ने भी राम अपनी रामायण के अंदर लिखा, राम से भी बड़ा राम का नाम है, और वो नाम जो खंडो ब्रह्मांडों की रहनुमाई करने वाला है, जो संसार उसके सहारे खड़ा है। तो देखो तुलसीदास जी ने राम के संपूर्ण जीवन के बारे में नर हरिदास जी से जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे उनसे उन्होंने ये विद्या प्राप्त की। अब कहते हैं कि जब धीरे धीरे जब तुलसीदास जी वहां से जब नर हरिदास जी के बाद में धीरे धीरे वो राम कथा करने लगे, और राम कथा करने लगे तो धीरे धीरे वहां पुनः उनके घर पर वो जहां पर उनका जन्म हुआ था राजापुर गांव के अंदर आ गए, और वहां पर आकर के उनके माता पिता का तो देहांत हो गया था, तो उनके परिजन थे वहां पर भी वो खुश होने लगे कि देखो हमारे परिवार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो राम की कथा के बारे में कितना जानता है। राम कथा करते करते वहां पर एक दीनानाथ बंधु एक पाठक थे वो भी वहां पर आए, तो वो राम कथा इतनी बड़ी लगन बड़े प्यार से बड़े प्रेम के साथ में राम का गुणगान करते थे, तो लोग बहुत प्रभावित हुए। तो दीनानाथ जो पाठक थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नावली, तो अपनी बेटी का विवाह तुलसीदास जी के साथ में होता है। कुछ समय देखो तुलसीदास जी और रत्नावली साथ में रहते हैं, और तुलसीदास जी कुछ काम के लिए धीरे धीरे एक गांव के अंदर चले जाते हैं। उनकी पत्नी वर्षा का मौसम होता है और तुलसीदास जी वहां पर गांव वहां वो तो दूर चले जाते हैं, उनकी पत्नी उनके मायके इन्हें अपने पियर चली जाती है। जब तुलसीदास जी शाम को घर आते हैं देखते हैं पत्नी घर पर नहीं है, तो उनका विवाह नया नया विवाह हुआ था और तो अपने पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति थी, बहुत अनुराग था, प्रेम था, तो वो भावावेश के अंदर रात को ही उधर तो बारिश हो रही है घनघोर आकाश के अंदर बादल आवाज कर रहे गर्जना कर रहे हैं, और ऐसे मौसम के अंदर वो घर से निकल जाते हैं अपने पत्नी को मिलने के लिए। और जो ही वो गांव से जो ही अपने घर से बाहर निकलते हैं गांव के बाहर आते हैं एक नदी तूफान पर थे नाला बह रहा था, तो वो तो प्रेम के अंदर पागल थे तुलसीदास जी, तो जो ही वो धीरे धीरे उस नाले के अंदर उन्होंने पैर रखा तो एक मुर्दा जा रहा था, उस मुर्दे के सहारे धीरे धीरे उस नदी को उन्होंने पार किया और उस तट पर चले गए, और वहां पर जाकर के जब अपने ससुराल के घर गए तो वहां पर देखा कि रात बहुत देर हो चुकी थी, रात बीत चुकी थी, रात को 11-12 बज चुके थे, लोग सो गए थे। तो वो अपने ससुराल के जब घर के आसपास में देखा तो दरवाजे बंद थे, चारों तरफ घुमा लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उन्होंने देखा एक रस्सी जैसे दिखाई दिया, तो उन्होंने रस्सी को पकड़ करके ऊपर चले गए, लेकिन वास्तव में वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। उनको पता ही नहीं था क्योंकि वो तो प्रेम के अंदर पागल थे, और वो धीरे धीरे उस रस्सी की उस सांप को रस्सी समझ करके धीरे धीरे उसको पार करके अपनी पत्नी के कमरे के अंदर गए, और जो ही उसकी पत्नी के पास में गए तो पत्नी ने उनको एकदम देख करके वो सहम गई, और देख करके उनको आत्मग्लानि होने लगी, और देखना तुलसीदास जी को अब उनकी पत्नी जो रत्नावली वो क्या कहती है कि काम वाम की प्रथा जग में नित नित होत प्रणाम, और काम वाम की प्रथा जग में नित नित होत प्रमाण, और राम नाम की प्रथा वेद पुराण प्रमाण, के लाज आवत है आप कौन दौरान आई हूं साथ, अरे दिख दिखे ऐसे प्रेम कौन कहा कहूं ये नाश, अस्ति चरणमय देवम पाने ऐसी प्रीति, और ऐसी प्रीति श्री राम में होती तो न भवती।
देखिए तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने क्या कहा कि मेरा ये आप इस स्थिति के अंदर इधर तो बादल आकाश के अंदर बरस रहे हैं और ऐसे मौसम के अंदर आप अपने शरीर का ख्याल न रख करके इस स्थिति में यहां पर आप पहुंच गए, तो उनकी पत्नी कहती है कि लाज आवत है आपको कि आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मौसम में अपने आप को संकट में डाल करके आप यहां पर मेरे पास में आए। इसलिए कहते हैं कि लाज आवत है आपको दौरा में आई तो आप मेरे पीछे आ गए, दिख दिख ऐसे प्रेम को आपके ऐसे प्रेम को धिक्कार है, क्योंकि ऐसा प्रेम जो मेरा शरीर है हाड़ मांस का बना हुआ है इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति उस श्री राम से होती तो आपकी इसी समय मुक्ति हो जाती। जब पत्नी के द्वारा ये एक झिड़की भरे शब्द तुलसीदास जी सुनते हैं एक बार वो सन्न रह जाते हैं और एक बार देख करके उनके और देख करके धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं। फिर वो रत्नादी के पास नहीं आते और दूर चले जाते हैं और जाने के बाद में कहते मैंने अब नर अधिराज जी के बाद में बताया और वहां पर जाकर के धीरे धीरे काफी चले जाते और वहां पर जाकर के राम के बारे में धीरे धीरे और जानकारी प्राप्त कर और रामायण लिखते हैं। इसलिए उन्होंने लगभग कहते हैं कि 1631 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस उसकी रचना 1631 ईस्वी में करते हैं। माना जाता है कि इसके अंदर समय लगभग 2 वर्ष और 7 मास का समय लगता है, जिन्होंने के राम के एक पवित्र जीवन के बारे में, राम एक आदर्श पुरुष, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र और आदर्श राजा, आदर्श भ्राता, इनका संपूर्ण वर्णन रामचरितमानस में है। अपने जीवन को भी यदि देखना है रामचरितमानस को पढ़िए, उसके अंदर उसके विचार पढ़ करके अपने जीवन को आप भी अच्छा बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ऐसे ही तुलसीदास जी के लगभग 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिसके अंदर सबसे पहले रामचरितमानस, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नसु, कवितावली, गीतावली, दोहावली, प्रस्तावली, ऐसे उन्होंने बहुत से लगभग 12 ग्रंथों की रचना की जो आज प्रत्येक हिंदू धर्म के हिंदू घरों के अंदर इनका पठन और पाठन किया जाता है और लोग अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, उनके ग्रंथों को पढ़ करके हम अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। तो देखो तुलसीदास जी के जन्म के बारे में, उनकी प्रामाणिक ग्रंथों के बारे में। अब देखो तुलसीदास जी की जो काव्यगत विशेषता है कि वो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, हमेशा सबके प्रति समन्वय। कहते कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग नदी नाव संजोग वो सबके साथ में समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते हुए जीने वाले व्यक्ति थे। उनका जो साहित्य है संपूर्ण मानव जाति के लिए एक शांति का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनके उन आलंकारिक भाषा, उनकी जो मुख्य भाषा है वो अवधि भाषा है, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा के अंदर भी लिखा है। उनकी भाषा बड़ी सटीक सरल और अवधि भाषा कहीं कहीं पर उनको ऐसी कठिनता दिए हुए हैं। इसी प्रकार से इनके हिंदी के एक महान जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, उन्होंने इनके बारे में देखो कविता के बारे में लिखा, उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में लिखा है कविता करके तुलसी डालसे कविता लसी पास तुलसी की कला। इस प्रकार से तुलसीदास जी की कविता के बारे में हरिओम ने उनकी प्रशंसा की है। तुलसीदास जी का जीवन एक बड़ा समन्वयवादी दृष्टिकोण है और उन्होंने अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीने का राम के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने जिया है। इसलिए कहते हैं कि इंसान की खुशबू होती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार सजे ही रहते हैं, दरबार बदलते रहते हैं, जो तूफानों के माध्यम से इतिहास बनाते रहते हैं, जो बातों के बातूनी है वो ऐलान बदलते रहते, ये भोले भाले मानुष तो क्यों मिटता है, जो मिटता है वरदानों पर बलिदान ही जीता रहते, उनका त्याग जीवन के अंदर आगे रहता है। इसलिए कहते हैं कि कुल सनो है कुल जुदा जुदा पर भगवान एक है, धरती सबकी अलग अलग पर आसमान सब एक है, सबकी बोली अलग अलग पर बयान सबके एक है, और सबकी जुबान और है पर संतों की जुबान तो देशभक्ति की भावना है, सबके प्रति समान समन्वयवादी दृष्टिकोण की भावना है। तो तुलसी ने अपने जीवन को
तरीके से जीने का प्रयास किया, उन्होंने राम के प्रति अपने आप को समर्पण भाव से दिया है। तो तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, अब कथावादी के अंदर जो तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस है उसके अंदर जो 7 खंड है, उस 7 खंडों में से जो 2 खंड मुख्य रूप से, एक तो लंका कांड और एक सुंदर कांड, इनका वर्णन तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंदर, अपने इस कथावादी के अंदर उन्होंने किया है। और उन्होंने वहां पर उनके रामचरित मानस के जो सुंदर कांड से, जो लंका कांड से उन्होंने जो लिया है उसका है कि रावण की पत्नी मंडोदरी, रावण की पत्नी मंडोदरी की रावण को सीख के माध्यम से, इस प्रकरण के माध्यम से कथावादी हिंदी साहित्य के अंदर जो प्रकरण है उसके बारे में समझाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 8-10 चौपाइयां हैं जो अलग अलग जो तुलसीदास जी ने जो लिखी है उनका वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए वहां पर राज्य सरकार द्वारा वहां पर ये किताब के अंदर संकलित की गई है। तो इसके अंदर रावण की पत्नी मंडोदरी रावण को सीख दे रही है, क्योंकि मंडोदरी ये समझा रही है कि हे पतिदेव, हे रावण, हे लंकापति, आप राम को एक साधारण पुरुष नहीं समझे, राम एक परम ब्रह्म है, विष्णु के अवतार है, इसलिए साधारण पुरुष नहीं है, इसलिए आपने जो गलत कार्य किया है कि आपने जो सीता हरण किया है, इसलिए सीता को ससम्मान उनके यहाँ पे पहुंचा लीजिए। इसलिए रावण की मंडोदरी की रावण को सीख प्रकरण के अंदर तुलसीदास जी ने एक बड़ा सटीक इन सोपाइयों के माध्यम से वर्णन किया है। एक जगह उनको लिखते हैं कि तुम ही तुम, ये मंडोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खदौत दिनकर ही जैसा, कि हे मेरे पतिदेव, आप में और राम में उतना अंतर है कि जिस प्रकार से सूर्य के सामने एक जुगनू, यानी एक पट बीजना आ गया, जिसको कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना होता है और उस खदौत यानी जुगनू का प्रकाश कितना होता है, तो सूर्य के सामने आपका प्रकाश इतना है, इसलिए आप उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए कोशिश करें आप मेरी बात को मान लें। और एक बात तो वो अपने महल में चली जाती है और रावण के पैर पकड़ करके कहती है कि हे पतिदेव, आप रावण, आप मेरी बात को माने और राम के शरण में चले जाइए, नहीं तो देखो आपका भी और अपने राक्षस कुल का भी नाश हो जाएगा। इसलिए पतिदेव, मेरी बात को मानिए और राम को साधारण पुरुष नहीं समझ करके आप अपने सखी को बुलाइए और सीता को यहाँ से सम्मान उनके यहाँ पे पहुंचा दीजिए, नहीं तो हमारे कुल का, राक्षस कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि राम की जो बाण है, राम के बाण सरसों के समान है और आपकी जो ये सेना है, राक्षस की सेना है, वो मेंढकों के समूह के समान है, निशाचर देख इन्हें मेंढकों के समूह के समान है, इसलिए सर्पों के समूह जब तक मेंढकों का अपना आहार नहीं बनाते, जब तक उनको नहीं मारते, तब तक वो सेन की सांस नहीं लेते हैं, इसलिए कोशिश करें आप, इसलिए आप कोशिश करें कि आप राम की बात को मान लें और राम के शरण के अंदर चले जाए।